25 जून को हमारे लोकप्रिय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और केंद्रीय मंत्री केशरीपाल गुर्जर जी और सभी विधायकगण आदरणीय ओमप्रकाश धनखड़ जी, विप्लव देव जी, एक बड़ी रैली अपनी लोकसभा में अपने पृथला विधानसभा गजपुरी में रखी है और उसकी तैयारी के तहत आज हमने बल्लभगढ़ विधानसभा की मीटिंग ली है और बल्लभगढ़ विधानसभा के साथ बड़ी धूमधाम के साथ, क्यों सबसे पहली विधानसभा हमारी है और बल्लभगढ़ से शुरुआत है बापूनगर से, और बड़ी धूमधाम के साथ हमारे बल्लभगढ़ के कार्यकर्ता गजपुरी रैली में भाग लेंगे और उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री का, अध्यक्ष जी का, विप्लव देव जी का स्वागत करेंगे और मुख्यमंत्री जितने काम प्रदेश में किए हैं, जितने हमको घोषणाएँ की, उन सब पे काम चालू है और उसके लिए हम सब लोग गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत करेंगे और एक बड़ी रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। सबसे बड़ी बात है जून के महीने में होगी और जून भी 25 जून को होगी। गर्मी के 12-10 बजे रैली का जो कार्यक्रम रखा है, 10 बजे रैली में पहुंचने का समय रखा है और लोकसभा की रैली होगी। मंत्री जिस तरीके से वहाँ हमारे भारत के होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और वहाँ पे बड़ी रैली आज है और 25 तारीख को बड़ी रैली लोकसभा में होगी और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ साथी रहेंगे और ये रैली बड़ी होगी, ऐतिहासिक होगी, जून के महीने में होगी। सबसे बड़ी बात ये कि हमें इतने सबको दिया, हाईवे दिए हैं, रोड दिए हैं, KGP है, KMP है, अब FMJ की घोषणा की हुई है कल परसों, जो नई मंजूरी मिली है, जेवर एयरपोर्ट की है और तेज़ी के साथ काम चला है, आगरा दिल्ली पर रोड पर काम चला हुआ है और जितने शहर के विकास है, पंचायती काम है, PWBNDR मार्केटिंग बोर्ड की इतनी सड़कों के साथ जो अब तक नहीं हो पाए, तेज़ी के साथ काम उन पर है, इसलिए हम सब लोग बड़ी रैली होगी, भव्य रैली होगी। जनसभा हमारे जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी हम साथ रहे और जो लोगों में जनसमूह आपके पत्रकार मीडिया साथी रहे थे, जिस तरह का लोगों का जनसमूह गांवों से आया और जिस तरह से अपनी बात उन्होंने रखी, लोग ये तो है कि देरी होगी काम में, पर लोग ये कहते हैं कि काम हो जाएगा, ये भरोसा काम हो जाएगा, देरी होगी सड़क बनने में, कहीं गांव की है, कहीं पंचायत की बात है, पंचायत के काम बाकी, कहीं सड़क है, कहीं नाली है, पानी है, कहीं टीचरों की समस्या है, कहीं दूसरे प्राइमरी स्कूलों की है, इन बातों को ये उससे कहा है कि सब आने वाले समय जल्दी से जल्दी इस चीज़ को पूरा करने का काम करें। लोगों में ये हमारा संगठन का काम है, ये राष्ट्रीय संगठन काम है, चुनाव कराना, लोकसभा के चुनाव आने सबसे पहले लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के 1.5 साल बाद है, बाकी संगठन लगा। मंत्री जी क्या नगर लोकसभा याद आ गए? नहीं, नगर निगम चुनाव में जो अभी जो BCA के लिए जो तैयारी है कि BCA अभी पास हो, BCA का हमें जो सीट देनी है उसको तैयारी के लिए के परिसीमन दोबारा है, आज परिसीमन SC के लिए, BCA के लिए और इन सबकी रिजर्वेशन जब तक बाटबंदी नहीं होगी, इनकी रिजर्वेशन नहीं होती जब तक चुनाव नहीं हो पाएगा, पर यह कि आने वाले नहीं, मेट्रो का पत्थर रख के चले गए थे 9 साल में, उस पत्थर को पैसा जमा के प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिए थे, जितने पैसे दिए थे जब वहाँ तक थी ओल्ड फिजा तक, और बल्लभगढ़ तो मेट्रो को लेकर आए थे, हमें हरियाणा का पैसा नहीं, हमने अपने EDC का पैसा दिया था, हरियाणा के खजाने से नहीं देके गए थे पहले, और ये पैसा जो बल्लभगढ़ दिया ये हरियाणा के खजाने दिया था, वो ग्रेटर फरीदाबाद का पैसा गया था, जो 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 वहाँ के विकास में लगता, सीवर पर लगता पानी, जो हाहाकार मचा हुआ वो पैसा उनका था, और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बल्लभगढ़ तब लेके आए थे, ये प्रदेश की सरकार ने, मनोहर लाल जी ने वो पैसा अपनी कलम से दिया।